हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड मॉरल साइंस फ्रॉम क्लास एट चैप्टर फाइव बिल्डिंग ट्रस्ट ओके ट्रस्ट को बनाना क्या होता है सो लेट्स गेट सेट व्हाट इज दिस ओके लेट्स नॉट गो स्कूल टुडे वी विल बंक स्कूल दोनों दो बच्चे आपस में बात करते हैं चलो आज स्कूल नहीं चलते बंक करते हैं छुट्टी मारते हैं नो आई कान बंक आई कैन नॉट ब्रेक

तो फिर उसने कहा जो दूसरा जो बच्चा था उसने कहा थैंक यू मुझे ये बताने के लिए ट्रस्ट के बारे में वैल्यू ट्रस्ट की क्या होती है क्योंकि एक बार जब टूट जाती है तो फिर दोबारा जोड़ना उसको पाना बहुत <coughs> मुश्किल होता है ओके सॉरी सो लेट्स रीड द स्टोरी वॉट इज़ द स्टोरी अमन वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एट के एन इंटरनेशनल स्कूल अमन जो है बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स था के एन इंटर नेशनल स्कूल का ही वॉज़ वेरी पॉपुलर इन द स्कूल बट वन थिंग कैप ट्रबलिंग हिम ऑल द टाइम एक्सेट्रा और बहुत पॉपुलर था स्कूल में है ना लेकिन उसको एक चीज़ उसको बहुत परेशान कर रही थी ऑल हिज फ्रेंड्स हैज़ एक्सपेंसिव थिंग विच ऑलवेज वेस्ट फॉर उसके सारे दोस्तों के पास बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें थी मूल्यवान चीज़ें थी लेकिन उसके पास नहीं थी मोस्ट ऑफ इस फ्रेंड हैड एक्सपेंसिव जीन्स ब्राइट स्कार्फ्स फ्लैशी वीडियोस गेम्स स्टैंडी रेसिंग साइकल्स एंड सो मच इल्स दैट इज़ इन वे एवरी एलेवन इयर्स ओल्ड और उनकी उसके फ्रेंड के पास ज्यादातर फ्रेंड्स के पास जो है महंगे महंगे जीन्स थे स्कार्फ्स थे वीडियो गेम्स थे रेसिंग साइकिल्स थी जो कि एक इलेवन इयर्स के बच्चों को जलन पैदा कर सकती है उसको लग सकता है ना कि सबके पास है मेरे पास नहीं है अमन लॉन्ग ड फॉर ऑल दीज विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज फ्रेंड्स डिस्पाइट ऑल देअर ट्रेजर लैक द वाइटल थिंग डैट अमन हिम सेल्फ हैड इन एब्यूडेंस एंड दैट वॉज हिज पेरेंट्स इंटरनल लव केयर एंड गाइडेंस लेकिन सबके पास सब कुछ था बहुत ही रियलाइ चीज़ें थी सबके पास लेकिन अमन के पास जो था वो अमूल्यवान चीज़ था ना अबेंस था वो उसके पेरेंट्स का जो उसके प्रति प्यार था केयर था गाइडेंस था वो किसी के पास नहीं था दे हैड इन कैलकुलेट कुल इनकुलेटेड कुल केटेड इन हिम अ अप्रेसियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन वैल्यूज दैट नेक्स्ट आगे क्या है ओके, सो हिम ऑन द राइट ट्रैक इन ऑल हीजी लेकिन पता है जो चीज़ इसके पास थी वो किसी के पास नहीं थी एक केयर होता है और ह्यूमन का जो एक वैल्यू होता है किसी चीज़ पे अच्छे कार्य के यानी वो जो भी जो भी रास्ते पे था अमन वो बहुत ही अच्छे रास्ते पर था रास्ते पर था इट हेल्प ऑल्सो हेल्प इट मेकिंग हिम एन एक्सीलेंट स्टूडेंट कंसिस्टेंटली डूइंग वेल इन स्टडीज़ और वो कभी भी अपने रास्ते से भटका नहीं है कंसिस्टेंटली मीन्स होता है कि लगातार अपनी जैसे फर्स्ट पोजीशन उसकी थी तो वैसे ही वो एक्सलेंट स्टडीज़ में था बहुत अच्छा था ठीक है इट वॉज नॉट दैट अमन पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड दिस थिंग ऐसा नहीं था कि अमन के पेरेंट्स ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीद सकते थे दे आर नॉट एज़ रिच एज हिज फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिच नहीं थे Uh, जितना कि उसके फ्रेंड्स थे बट दे वे आर रीजनली रीजन हाँ रीजनलेबली वेल ऑफ लेकिन वो बहुत ही uh, मतलब जैसे होता है ना काम से काम रखना काम की चीज़ें ज़रूरत है तो आप ले लो जरूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है दे वर ऑल्सो वेरी केयरफुल टू लीव विद इन देयर मीन्स एंड नेवर इनकरेज एनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन एंड हिज यंगर सिस्टर और उनका कहना था कि बहुत केयरफुल थे वो इंकरेज करते थे हमेशा नेवर इंकरेज एनी वेस्टफुल मतलब कोई ऐसा एक्सपेंड मत करो कोई ऐसी चीज़ों पे स्पेंड मत करो पैसे खर्च मत करो जहाँ की वेस्टफुल हो यानी कोई कोई यूजफुल चीज़ें ना हो और क्योंकि आ, उसके साथ उसकी बहन भी थी छोटी अमन एट हिज स्टैंडर इज़ कुड नॉट एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ वॉट ही हैड एंड केप थिंकिंग ऑफ मेटेरियल पोजेशन वन डैट ही लैग लेकिन अमन तो बच्चा ही था ना उसका जो एज था तो वो जो है इन चीज़ों की वैल्यू अभी नहीं कर पा रहा था ना उसको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसको हमेशा लगता था कि मेरे पास जो है कुछ तो कमी है है ना कि मेरे पास जो है जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास है वो मेरे पास नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है द फाइनल ब्लॉक कैम ऑन द डे ऑफ स्कूल सेशन कंक्लूडेड और उसके बाद क्या होता है कि फाइनल जो है आ जाता है ना टाइम हो जाता है निष्कर्ष का सेशन का अंत होता है अमन लॉन्ड दैट तरुण वॉज गोइंग टू फ्रांस ज्यूरिंग द वेकेशन्स और उसके बाद जब जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो तरुण जो है फ्रांस जाने वाला था अपनी वैकेशन्स के लिए है ना छुट्टियों के लिए विजय वॉज गोइंग टू मालदीवस विथ हिज पेरेंट्स विजय भी जो तो है जा रहा था मालदीवस जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ नाउ गोइंग अब्रॉड ऑफ़ द वेकेशन वॉज समथिंग अमन पेरेंट कुड नॉट अफोर्ड फीलिंग डिजेक्टेड ही डेवलप एंड और जो टू इक्वल हिज रिज फ्रेंड्स अब जो है उसको लगता था कि मेरे फ्रेंड्स तो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते कि अब ब्रॉड जाएंगे मुझे छुट्टियों में लेके है ना तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के इक्वल नहीं हूँ ही वॉन्टेड टू कम आउट ऑन द टॉप नॉट ओनली इन द स्टडीज बट ऑल अदर थिंग्स टू और वो चाहता था, क्या था बच्चा था वो क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती थी तो वो चाहता था कि वो केवल पढ़ाई में ही नहीं हर चीज़ों में सबसे आगे हो ही स्टार्टेड फीलिंग मिजरेबल सडनली ही साइज फ्रेंड राजेश वेयरिंग अ रोलेक्स वॉच फिर अचानक क्या होता है उसके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं तो देखता है कि राजेश जो है उसका दोस्त वो बहुत अच्छी रोलेक्स की वॉच पहना हुआ है ही मेज इन डैट इफ हैड ही हैड सच अ वॉच ही वुड फील कूल वेयरिंग इट तो उसको लगा कि अगर काश मेरे पास ये घड़ी होती तो मैं पहन के कितना कूल cool फील करता है, है ना बच्चे ही हैं तो वो भी सोच रहा था ये बात हिज फ्रेंड राजेश वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग एंड इंक्वायर्ड डू यू लाइक दिस वॉच तो राजेश जो है समझ गया उसको देख के वो जब वॉच को देख रहा था तो बोला कि क्या तुम्हें ये वॉच पसंद है डू यू वॉन्ट दिस वॉच क्या तुम्हें अमन ये वॉच चाहिए वीकली रिप्लाइड आई डू तो धीरे से जवाब देता है कमज़ोर आवाज़ में एकदम हाँ हाँ चाहिए एन आवर लेटर राजेश बॉट द वॉच फॉर हिम तो फिर कुछ ही घंटों में राजेश गया और एक वॉच खरीद के उसके लिए ले आया अमन केप्ट लुकिंग एट द वॉच देन ही पुट इट ऑन हिज रिस्ट और वो देखता ही रह गया वॉच को उसके बाद अपने रिस्ट पे उसने बांध लिया ठीक है लेटर इन द इवनिंग वेन अमन वॉज अवे हिज फ्रेंड्स देयर वॉज अ पावर फेलेवर इन द लोकेलिटी एंड ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ उसके बाद क्या होता है जब वो घर आता है शाम को तो उसके फ्रेंड्स सब अपने अपने घर चले आते हैं और पावर यानी लाइट चली जाती है ठीक है वेन इज़ फादर कुड नॉट फाइंड अ वर्किंग टॉर्च जब उसके पापा जो है अब लाइट चली गई तो सब लोग क्या करते हैं टार्च ढूंढना शुरू कर देते हैं तो ढूंढने लगते हैं तो अमन को अचानक याद आता है कि अमन केपटा स्पेयर वन इन हिज आलमीरा ही डिसाइडेड टू सी इफ इट वॉज़ वर्किंग तो उसने कहा कि एक तो उसने आलमीरा में रखा हुआ है तो चलते हैं देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं ही फाउंड द टॉर्च बीनीथ सम क्लॉथ्स एंड केयरफुली कंसील्ड नेक्स्ट टू इट वॉज द रिलैक्स वॉज द प्रजेंस प्रजेंस ऑफ वॉच सरप्राइज ही, और जब वो जैसे ही फाउन करने लगता है देखने लगता है कपड़े हटा के धीरे धीरे तो उसको दिखता है रोलेक्स का वॉच तो वो देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है वेन अमन कम बैक हिज पेरेंट्स क्वेश्चन डिम फिर अमन जब वापस आता है तो उसके पेरेंट्स जो है उसे क्वेश्चन करते हैं अमन वॉज स्टंट एंड हैड नो एक्सप्लानीशन अमन को जो है क्या लगता है कि अरे अब हम क्या जवाब दें बोल बोल ही नहीं पा रहा था इट वॉज देन दैट हिज पेरेंट्स रियलाइज्ड वॉट हैड एक्चुअली हैपन दे वर एक्सट्रीमली सैडन जब उनको रियलाइज होता है हाँ सॉरी अमन जो है वो आलमीरा में अपनी टार्च रख सॉरी अपनी घड़ी को छुपा के रखा हुआ था कपड़ों के बीच में और जब उसके पापा को याद आया कि एक तो उसकी आलमीरा में रखी हुई है टार्च तो वो लोग जब ढूंढने लगे उसके पेरेंट्स तो उनको रोलेक्स की वॉच दिखती है तो वो सभी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं फिर जब अमन आता है तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ से मिली ये वॉच और वो समझ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होता है ठीक है दैट नाइट अमन को Not sleep. Lekin उस रात क्या होता है अमन सो नहीं पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स शर्मिंदा थाड लॉस समथिंग मोर वैल्यूएबल और उसने जो उसके मम्मी पापा उससे बात ही नहीं कर रहे थे तो उसको लगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ मूल्यवान चीज़ खो दी है ही है उसने अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को तोड़ा था ही टेल ही वुड बी विलिंग टू गिव एनी थिंग टू गेट दैट ट्रस्ट बैक और उसने कहा बताया कि वो अब जो है ऐसा कभी नहीं करेगा उनके ट्रस्ट को अपने मन में सोचता है कि वापस जरूर करेगा ही ले अवैक वॉन्ड्रिंग इफ़ यू वुड एवर गेट इट बैक अब वो सोचने लगा सो के कि मैं इसको वापस कैसे करूँ इनके ट्रस्ट को वापस कैसे लाऊँ ठीक है ना तो इस स्टोरी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा बच्चा था उसको भी थोड़ा सा देख के दूसरों की चीज़ों को तो लगता था कि हाँ मेरे पास ये नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा समझाते थे कि आपको जो है ये चीज़ें देखो टॉयज़ वग़ैरह लेने में क्या होता है बच्चे तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं टॉयज लेनी ये लेनी है वो लेनी है। लेकिन वो चीज़ें आपकी यूज़फ़ुल होनी चाहिए जब भी कोई चीज़ लो क्या होना चाहिए वो यूज़फुल होना चाहिए तो मॉरल क्या है आपका कि लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू wrong, टू नन देखिए लव और ट्रस्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाता है इंसान है ना तो उसको हमें क्या करना चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए कभी गलत साबित नहीं करना चाहिए और विशफुल थॉट क्या है ट्रस्ट टेक्स यर्स टू बिल्ड सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉर एवर टू रिपेयर और जानते हो ट्रस्ट जो है विश्वास कि जो नींव होती है वो बहुत सालों लग जाते हैं बनने में और सेकेंड लगता है टूटने में है ना बहुत कम में समय लगता है टूटने में और बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है फिर से अगर टूट गई तो बनने में क्या होता है पूरी ज़िंदगी आपकी चली जाती है सो so, स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी ओके बाय